मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी एक बहुत ही पॉपुलर और टेस्टी रेसिपी। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ समोसा, जो कि हर किसी को बहुत पसंद आता है। तो आइए देखते हैं समोसा बनाने के लिए हमें क्या। समोसे का डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 200 ग्राम मैदा, आधा छोटी चम्मच नमक हम लोग डालेंगे, आधा छोटी चम्मच अजवाइन डालेंगे। मैंने यहाँ पे लिया रिफाइंड ऑयल डो बनाने के लिए और समोसे को तलने के लिए, वाटर डो बनाने के लिए। स्टफिंग के लिए मैंने 7 से 8 बड़े साइज़ के आलू को 2 टुकड़ों में काट के बॉयल कर लिया है। इन्हें मैंने 2 सीटी आने तक बॉयल किया है। और यहाँ पे मैंने लिया है 10 से 12 लहसुन का पेस्ट, 1 इंच अदरक का पेस्ट, 2 हरी मिर्च को बारीक काट के ले लिया है, थोड़ी सी हरी धनिया पत्ती, 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, जीरा को मैंने तवे पे सेक के ग्राइंड कर लिया है, आधा छोटी चम्मच आमचूर पाउडर और आधा छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर। साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है 50 ग्राम मूंगफली के दाने, इन्हें मैंने फ्राई कर लिया है। आप लोग चाहे तो इसके बदले फ्रेश हरे मटर या फिर फ्रोजन मटर भी डाल सकते हैं, बट मैं यहाँ पे मटर नहीं डाल रही हूँ, इसलिए मैंने मूंगफली का यूज़ किया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग समोसे के लिए डो तैयार कर लेते हैं। इसमें मैं डालूँगी आधा छोटी चम्मच नमक, आधा छोटी चम्मच अजवाइन, इसे हम लोग हाथों पे क्रश करके डालेंगे, इसे स्वाद अच्छा आता है, 4 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल, 2 अब इन सारी चीज़ों को हम लोग अच्छी तरह से पहले मिक्स करेंगे। इसे हम लोग हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, हाथों से बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। देखिए इस तरह से हम लोग कर लेंगे मिक्स, ताकि रिफाइंड ऑयल अच्छी तरह से हमारे आटे में मिक्स हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आटे में मिक्स कर लिया है। ये देखिए हमारा परफेक्ट डो के लिए आटा तैयार हुआ है, ये हाथों में अच्छी तरह से बाइंड हो जा रहा है। अब इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी लेके गूंदेंगे, ज़्यादा पानी हम लोग को नहीं डालना है। ये इसका समोसे का डो थोड़ा हार्ड ही रहता है, सॉफ्ट डो अगर बनेगा तो समोसे हमारे मुलायम हो जाएंगे, क्रिस्पी नहीं बन पाएंगे समोसे। फ्रेंड्स, ये हमारा डो तैयार होने लगा है। अब हम लोग इसे हथेलियों के पिछले हिस्से से 2-3 मिनट तक प्रेस करके गूंथेंगे, इससे हमारा आटा अच्छी तरह से गूंथ जाएगा। देखिए इस तरह से हम लोग गूंथेंगे और 2-3 मिनट तक इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि हमारा डो सॉफ्ट हो जाए। फ्रेंड्स, ये हमारा आटा तैयार हो गया है। ये हमारा डो तैयार हो गया है। अब इसे हम लोग एक प्लेट से ढककर 15 से 20 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे सेट होने के लिए। अब चलिए हम लोग आलू तैयार कर लेते हैं। आलू को हम लोग दरदरा मैश कर लेंगे, एकदम बारीक नहीं मैश करना है।
मैश कर लिया है, बारीक मैश नहीं किया है, इसे दरदरा मैश किया है, देख सकते हैं आप लोग। अब हम लोग चलते हैं इसको फ्राई करने। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था। अब इसमें हम लोग डालेंगे एक बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल, तेल को गर्म होने देंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा तेल गर्म हो गया है। अब इसमें हम लोग डालेंगे हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट। अब इसे अच्छी तरह से हम लोग फ्राई करेंगे। ये हमारा लहसुन अदरक भी थोड़ा फ्राई हो गया है। अब इसमें मैं डालूंगी आलू। गैस की फ्लेम को मैंने अभी लो पे ही रखा है। गैस की फ्लेम को थोड़ा हाई कर देंगे हम लोग और इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। पहले से आलू को हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब साथ में मैं इसमें डाल दूंगी हमारा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और भुना हुआ जीरा। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हम लोग 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। मैंने इसे फ्राई कर लिया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी हमारा नमक आधी छोटी चम्मच, 4 मसाला पाउडर, आमचूर पाउडर और हरी धनिया पत्ती। अब इन सारी चीज़ों को हम लोग अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 2 मिनट तक और फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम पे ही रखा है, हाई पे नहीं रखना है हमें। ये हमारी सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। 2 मिनट तक मैंने फ्राई कर लिया और अब हम लोग गैस को बंद कर देंगे और इसके ऊपर डाल देंगे हमारा भुना हुआ मूंगफली के दाना। मैंने इसे गैस से उतार दिया है। अब इसे हम लोग एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। अच्छी तरह से फैला देंगे ठंडा होने के लिए। दो से पांच मिनट बाद ये ठंडी हो जाएगी। इसके बाद हम लोग स्टफिंग करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा आलू का मसाला ठंडा हो चुका है। अब इसके ऊपर मैं डाल दूंगी भुने हुए मूंगफली के दाने। अब हम लोग स्टफ करेंगे इसको। तो फ्रेंड्स, 20 मिनट हो चुके हैं और ये हमारा डो तैयार है, अच्छी तरह से सेट हो गया है। इसे हम लोग एक बार और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इसे मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। अब हम लोग इसकी लोई बनाएंगे। हम लोग हथेलियों पर रख के ऐसे गोल राउंड शेप में लोई बना लेंगे।
तरह से सारे आटों का हम लोग लोई तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कुछ लोई तैयार कर लिए हैं, अब इसे हम लोग बेलेंगे। आप लोग अगर मोटा समोसे का लेयर पसंद करते हैं तो इसे मोटा ही रहने दें, और पतला पसंद करते हैं तो थोड़ा पतला बना लें इसे। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बेल लिया है लोई को अच्छी तरह से, अब इसे हम लोग चाकू की मदद से बीचों बीच काटेंगे इस तरह से। इसके एक किनारे को इधर साइड कर देंगे और दूसरे किनारे को हम लोग इसके एक कोन को लेके हम इस तरह से रखेंगे, देखिए, और इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगा देंगे। पानी लगाने से हमारा आटा अच्छी तरह से चिपकता है। और इसके दूसरे कॉर्नर को लेके इसके ऊपर इस तरह से प्रेस कर देंगे और फिंगर की मदद से इसे चिपका देंगे, देखिए इस तरह से। और ये कॉर्नर अगर थोड़ा सा बाहर निकला है तो इसको हाथों की मदद से सील कर देंगे। अभी हमारा समोसे का कोन तैयार हो गया है, देखिए। अब इसमें हम लोग स्टफिंग करेंगे, स्टफिंग करते हैं। इसे आलू को हम लोग ऐसे केंद्र की तरफ प्रेस करते हुए फैला देंगे। अब इसके दोनों किनारों को इस तरह से आपस में मिलाते हुए हम लोग सील कर देंगे कि ये हमारा एक समोसा तैयार है। अब ये दूसरा वाला भी मैं आप लोग को दिखाती हूँ स्टफ करके। सेम उसी तरह से हम लोग एक किनारे को पकड़ेंगे और इस तरह से रखेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगाएंगे और दूसरे किनारों को इसके ऊपर चिपका देंगे कि इस तरह से। फिंगर से प्रेस करेंगे इसे हम लोग, कॉर्नर थोड़ा सा अगर निकला हुआ है तो इसको ऐसे सील कर देंगे। और फिर हमारा कौन तैयार हो गया, इसमें हम स्टफिंग कर लेंगे। चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे हम लोग मसाले को और फिर इसके दोनों किनारों को मिलाते हुए इस तरह से चिपकाएंगे। बिल्कुल आसानी से चिपक जाता है, देखिए। और इसको अच्छी तरह से एक बार प्रेस कर देंगे ताकि कढ़ाई में जाने के बाद ये खुले नहीं। हमारा अगला समोसा भी तैयार हो गया, इसी तरह से बाकी सारे समोसों को हम लोग तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे सारे समोसे को रेडी कर लिया है स्टफ करके, अब आइए इन्हें तलते हैं। गैस पे मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था और इसमें डाल दिया था रिफाइन ऑयल। ये ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम लोग समोसे को डालेंगे एक एक करके। और ध्यान रहे गैस का फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए। गैस की फ्लेम को हम लोग लो ही रखेंगे और समोसे को एक तरफ से तलने देंगे। अब इसे हम लोग एक तरफ से पलट लेंगे। अभी भी गैस का फ्लेम हम लोग लो ही रखेंगे क्योंकि समोसे तलने के लिए गैस का फ्लेम लो रहता है तो हमारे समोसे के ऊपर बबल्स नहीं आते हैं और समोसा हमारा बिल्कुल
क्रिस्पी बनता है, इसलिए हम लोग लो फ्लेम पे ही 8 से 10 मिनट तक समोसे को तलेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा समोसा अब रेडी है। गोल्डन ब्राउन हो गया है इनका कलर। अब इसे हम लोग निकाल लेंगे। पूरे 10 मिनट लगे हैं इन्हें फ्राई होने में। देखिए, इनके ऊपर बिल्कुल बबल्स नहीं आया है, क्योंकि मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको फ्राई किया है। अगर फ्लेम को आप लोग ज़्यादा हाई या मीडियम कर देंगे तो इसके ऊपर बबल आ जाएगा और ये बिल्कुल गंदा दिखेगा। तो अब इसे हम लोग निकाल लेते हैं कढ़ाई से, किचन टावल पे हम लोग निकाल लेते हैं इसे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा क्रिस्पी समोसा बनके बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल मार्केट जैसा ये तैयार हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी बना है ये। आप लोग इसे हरी धनिया की चटनी या कोई भी खट्टी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएँ। और मेरी ये रेसिपी अगर अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।